हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लिया जाए, है ना। कैसे सब लोग। मेरा नाम है अभिषेक चमन, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड। ठीक है, इससे पहले हमने फ्लूइड का लगभग सारा टॉपिक कर लिया है। चूंकि टर्म 2 एग्जाम में ये भी आ रहा है, इसलिए इसको भी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। क्लास में मैंने ऑलरेडी करा दिया है इसको, बट देखते हैं थोड़ा सा, जिन लोगों का छूट गया है किसी वजह से, वो लोग यहाँ से आप पढ़ सकते हो या रिवीजन भी कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मेन हेडिंग जो जिसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं, ये एक कंप्लीट यूनिटी है लाइट। ठीक है, लाइट के अंदर और भी चीजें आती हैं, बट क्लास 9th में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जानने वाली बात यह है कि इससे पहले आप लोगों ने क्लास 8 में भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है। बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं लाइट का। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, और इसकी स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, एंड इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स इन नेचर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारा चीज़ आपने क्लास 8 में पढ़ा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइट जो है उसको हम लोग कहते हैं कि लाइट एग्जैक्टली ना वेव है ना ही वो पार्टिकल है। उसको कभी कभी एज ए पार्टिकल उसका नेचर देखा गया है, कभी कभी उसको एज अ वेव देखा गया, इसलिए उसको डुअल नेचर कहा जाता है कि लाइट इज हैविंग डुअल नेचर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, सो एज अ वेव द लाइट इज हैविंग डिफरेंट फिनोमेनास, एंड एज अ पार्टिकल इट यू नो एग्जीक्यूट्स और इट शोज सम डिफरेंट फिनोमेना, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, व्हिच इज बिकॉज ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ दिस लाइट। ओके, सो सिंस दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना इन विच यू नो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम अ सरफेस इट अगेन कम बैक टू द सेम मीडियम, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो ये एक फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन क्या है, एक फिनोमेना है, और ये लाइट वेव्स बेसिकली अगर हम माने, क्योंकि वेव में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे क्लास 11th में। ठीक है, रिफ्लेक्शन वेव का भी रिफ्लेक्शन होता है, वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वेव का होता है। तो हम लोग इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं, देन विल डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड देन विल डिस्कस द रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर, मिरर कैसे फॉर्म करता है, प्लेन मिरर क्या होता है, एक एक प्लेन मिरर पे कैसे इमेजेस बनेंगे, मल्टीपल प्लेन मिरर पे कैसे इमेजेस बनेंगे, स्फेरिकल पे कैसे बनेंगे, कैसे मिरर इक्वेशन, ये पूरा हमारा सीरीज रहेगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक है, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को कि पहले रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखो, कभी भी आप देखोगे कि किसी भी सरफेस पे अगर कोई भी लाइट सपोज करो आया, ठीक है, और यहां से ये रिटर्न हुआ, रिटर्न होने का मतलब क्या है कि अगर ये रिटर्न नहीं होता, सपोज करो अगर ये रिटर्न नहीं होता, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, और नहीं होता तो क्या होता। तो इसका जो इम्पोर्टेंट बात आपको जानना है, सो वॉट एवर वी कैन सी दैट इल्यूमिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड योर इन दिस इन्वायरमेंट बेसिकली, सो एवरीथिंग वी आर एबल टू सी बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस टॉपिक फॉर योर लाइक डे टू डे लाइफ। ओके, सो एवरीथिंग दैट वी कैन सी इज बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो बेसिकली वॉट हैपन्स इज फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मान लो कोई कैंडल है, और यहाँ सपोज करिए कि आपका आपकी आंखें हैं और यू कैन इजली सी दिस कैंडल। ओके, अगेन आई एम सेइंग वी हैव अ बॉल हियर एंड यू ऑल्सो कैन सी दिस बॉल एज वेल। ओके,
दैट मीन्स कि टू सी एनी ऑब्जेक्ट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट इट मस्ट हैव इट्स ओन लाइट. ओके, सो दिस कैंडल इज हैविंग इट्स ओन लाइट एंड दैट्स व्हाई द लाइट विल रीच टू द ह्यूमन आई एंड वी कैन सी दैट. At the same time, this ball, if we are able to see this ball, that means there must be some light coming from this ball. And since this ball is having no light, since this ball is having its is having none of its own light, right? That means this ball must be reflecting some light. Then only we can see that. For example, like रात को अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं बल्ब को आपके रूम में, सो आप देखोगे कि यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. व्हाई इट इज सो? बिकॉज वी आर एबल टू सी समथिंग बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड इफ देर इज नो सोर्स ऑफ लाइट दैट मीन्स यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनीथिंग. दैट्स द रीजन. ओके, सो वी हैव टू काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वन इज ल्यूमिनस ओके एंड अनदर इज नॉन ल्यूमिनस. So we have two kinds of one. So both object we can see either which is having its own light or which is not having its own light, and it is because of this one phenomena, that is reflection of light. Okay, so the reflection of light is very, very important, and we'll discuss it accordingly. How we are able to see any object, how these images are formed, right? Although you already have a rough idea of this reflection of light because you have already read this topic in class 8. Okay, but this time we are going to discuss this topic very deeply. So now, so what is reflection of light? Okay, if a light ray, incident on any object, incident on any object and reflect back in the same medium, okay, in the same medium, then this phenomena is called as reflection of light. Reflection of light. So if a light ray incident on any object and reflects back in its same medium, then this phenomena is called as reflection of light. मतलब कोई भी light किसी object पे गया और वापस वहां से आ गया उसी medium में, इस phenomena को हम लोग बोलते हैं reflection of light. Reflection of light का मतलब क्या? Reflection of light का मतलब कि light किसी medium में है और वो किसी object से टकराया और उस object से टकराने के बाद उसी medium में वापस आ गया. This phenomena is known as reflection of light. ठीक है, इजी है एकदम. सो बेसिकली अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, ये कहां ज्यादा होता है, कहां कम होता है, पॉइंट नंबर वन. दूसरा बात है कि क्या इसका कुछ रूल्स होता है इस रिफ्लेक्शन के होने का, है ना, जिसको हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. सबसे पहले रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले, जो एक सब्सटेंस है जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करता है, मतलब सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करता है, वो है हमारा मिरर, है ना. सो मिरर को हम लोग मोस्टली यूज करते हैं बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स में, जैसे डेंटिस्ट हो गया या फिर हमारा बैक रियर मिरर हो गया कार के अंदर, या फिर घर में जो प्लेन मिरर हम लोग यूज करते हैं या पार्लर वगैरह में आप देखते हो, तो मिरर का बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है. सबसे पहले हम लोग एक मिरर को समझते हैं कि मिरर होता क्या है और ये कैसे बनता है. सो मिरर देखो, सिंपली अगर हम लोग बात कर ले, सो इफ यू टेक अ ग्लास, इट इज अ ग्लास, सिंपल ग्लास, ओके, एंड इफ आई से ग्लास, ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. दैट मीन्स इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट इट विल
पास थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, तो इस ग्लास को मिरर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसके किसी एक सरफेस पे हम लोग, ठीक है, सिल्वर, अच्छा अगर ग्लास बनाना है तो सिल्वर का कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, कौन सा कोटिंग? सिल्वर कोटिंग। क्या कर देते हैं हम लोग? सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, और सिल्वर कोटिंग या फिर ना सस्ते ग्लासेस जो होते हैं उसमें एल्युमिनियम का भी कोटिंग किया जाता है, और इसको करने के बाद इसके सिल्वर कोटिंग को और प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और अच्छा रिफ्लेक्शन पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेंट कर देते हैं यहाँ पे, डार्क पेंट। कौन सा पेंट कर देते हैं? डार्क पेंट। समझ में आ गया? सो दिस इज अ डार्क पेंट। आप देखना घर में भी आपके जो मिरर होगा उसमें आपको डार्क पेंट तो दिख जाएगा। ठीक है, ये आउटर सरफेस और इस डार्क पेंट के बीच में आपको होता है क्या? सिल्वर कोटिंग होता है। ये सिल्वर कोटिंग क्यों होता है? क्योंकि ये मैक्सिमम लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग पार बहुत अच्छा होता है सिल्वर का, इसलिए। ठीक है, सो इस चीज को बार बार हमें ऐसा नहीं बनाना पड़े, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। मतलब ये हमारा, ये जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। क्या हो गया? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक है, तो बार बार हमें ये तीन तीन लेयर नहीं बनाना पड़े, इसलिए जो नीचे जो हमारा पॉलिश्ड, नीचे जो हमारा पेंटेड पोर्शन है ना, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये मिरर यही है, ये भी हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, और ये जो हमारा है वो क्या है? सिल्वर कोटेड एंड डार्क पेंट। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या बताता है? सिल्वर कोटिंग प्लस डार्क पेंट, ये दोनों चीज को बताता है ये जो आपका डायगोनल लाइन। समझ में आ गया? मैं एक एक चीज बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो अब हम लोग बार बार ये मिरर जब भी बोलेंगे, ऐसा मिरर नहीं यूज करेंगे हम लोग, मिरर को इस तरीके से, कहीं भी पीछे से अगर हमारा सिल्वर कोटिंग करना है, पेंट करना है, तो इस तरीके का डायगोनल लाइन हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिरर। चलिए, मिरर के बाद और क्या बचा? मिरर में भी हम लोग देखेंगे तो मिरर का कुछ टाइप्स होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, अगर हम लोग नॉर्मली एक मिरर की बात करें तो मिरर को जो नॉर्मल होता है मिरर, ठीक है, नॉर्मली हम लोग अपने पढ़ाई, देखिए होता क्या है कि हम लोग अपने एकेडमिक्स के अंदर में रेगुलर फिगर्स का पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो रेगुलर फिगर में एक आ जाएगा आपका प्लेन मिरर, है ना, और जो दूसरा आएगा वो आ जाएगा आपका स्फेरिकल मिरर। दूसरा क्या आ जाएगा आपका? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये जो दोनों मिरर हो गए, ये क्या हो गया? ये रेगुलर, रेगुलर मतलब क्या हो गया कि एक सिस्टमेटिक। अब जैसे ये प्लेन मिरर भी जो है, इस प्लेन मिरर में देखोगे तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, अभी हमने बात किया। ठीक है, अब या तो इसको नीचे से पेंट करो या ऊपर से पेंट करो, बात तो सेम है। लेकिन स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, हमारा दो तरह का मिरर बनता है। ठीक है, एक वैसा मिरर कि मान लो ये स्फेरिकल कोई ग्लास है, इसको आपने अंदर से पेंट कर दिया। ठीक है, तो जब किसी ग्लास को आप अंदर से पेंट करते हो या फिर आप क्या करोगे, इसको बाहर से पेंट करोगे, यही दो कंडीशन होगा। तो जब आप किसी ग्लास को अंदर से, देखो स्ट्रक्चर होता है, जैसे इन दोनों में ये जो पार्ट है ना, या जैसे कि यहाँ पे मान लो हमने कैंडल डाला, ठीक है, तो बेसिकली ये होना चाहिए कि जहां पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है और जहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ, ध्यान दो। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे कैंडल लेंगे ना, ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे ये तो हमारा क्या हो जाएगा, चलो इधर तो लाइट डालेंगे तो कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, हम लोग इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इधर है, तो हम कैंडल को इधर डालते हैं, यहां से लाइट आएगा, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला है और यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफ अंदर की तरफ धसा हुआ है। ठीक है, तो जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इवन मैथ्स के अंदर भी स्ट्रक्चर आएगा, जब भी आपको ये बाहर की तरफ निकला हुआ कोई फेस हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? कन्वेक्स बोलते हैं। तो इस मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स एक
इंग्लिश का वर्ड है जो मैथ में भी यूज होता है बहुत फ्रिक्वेंटली, जो बाहर की तरफ, जैसे मान लो एंगल है, ठीक है, अगर कोई एंगल इस तरीके से हो तो ये वाले एंगल को हम लोग कॉन्वेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है, और ये वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव एंगल बोलेंगे। ये अगर मान लो कि कहीं भी अगर आपने पढ़ा भी, शेप में भी अगर आएगा तो जो बाहर की तरफ निकला हुआ शेप होता है, ठीक है, उसको हम लोग कॉन्वेक्स शेप बोलते हैं, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ शेप होता है उसको हम लोग कॉनकेव शेप बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ठीक है। मेरी कोशिश है कि एक भी ऐसा टर्म या कॉन्सेप्ट नहीं हो जो आप मिस कर जाए। सो बेसिकली अगर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो रिफ्लेक्शन हम लोग तीनों से पढ़ेंगे, प्लेन मिरर में भी पढ़ेंगे और स्फेरिकल मिरर्स में भी पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर में अगर दो टाइप है तो हम लोग दोनों टाइप पे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो मिरर हमारा दो तरह का होता है, ठीक है। अब प्लेन मिरर में आते हैं। प्लेन मिरर अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर भी काइंडली अगर देखा जाए तो इसको एक और छोटे से सेगमेंट पे क्लासिफाई किया जाता है। कई बार जो प्लेन मिरर का जो सरफेस होता है वो रेगुलर होता है, कई बार इरेगुलर होता है। जैसे मान लो ये एकदम प्लेन मिरर है, एकदम इसका जो सरफेस है एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, रेगुलर होगा। लेकिन मान लो अगर हमारा सरफेस कुछ ऐसा हो जाए, है ना, इरेगुलर सरफेस हो जाए, ये भी मान लो मिरर ही है, क्या ये, ये भी हमारा मिरर ही है, लेकिन इसका शेप कैसा है, इरेगुलर। अभी हम लोग चूंकि अभी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़े नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि लाइट अगर आएगा तो ये एक रेगुलर तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, आप समझ रहे हो मेरी बात, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, यहां से क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहां हम लोग लिखेंगे इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो एकदम स्ट्रेट है। लेकिन यहां पे अगर देखो ये प्लेन मिरर है, तो यहां पे अगर लाइट ऐसे आएगा तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। देखो ये प्लेन मिरर है, अगर यहाँ पे इधर से ही लाइट आ रहा है, अगर ये लाइट कुछ ऐसे आएगा तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। फिर ये लाइट यहाँ से आ रहा है, ये ऐसे आएगा तो फिर ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये लाइट, चूंकि सबको पैरेलल ही लेना है, ये कुछ ऐसा जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ठीक। उसी तरीके से लाइट रे, चूंकि सारा लाइट रे, देखो ये इंसिडेंट रे हमारा सारा पैरेलल है, ये सारा पैरेलल है, ये सारा पैरेलल है, ठीक है। ये हमारा अलग अलग नहीं आ रहा, जैसे हमने इसमें पैरेलल लिया वैसे पैरेलल लाइट लिस्ट में लिया। लेकिन अगर हम लोग इसका आउटपुट देखें तो वो थोड़ा सा अलग आ रहा है। देखो जैसे इसको भी हमने लिया पैरेलल, यहाँ पे यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये इरेगुलर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। तो हमें जो स्टैंडर्ड आउटपुट मिलता है वो रेगुलर स्ट्रक्चर या रेगुलर फिनोमेना से होता है। तो हम किसको लेंगे, प्लेन मिरर, और वो भी स्ट्रेट प्लेन मिरर को, जहां से हम लोग को रेगुलर रिफ्लेक्शन मिले, ठीक है। तो ये था डिफरेंट टाइप्स का आपका मिरर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप सब समझते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग अभी से इस चीज को बहुत बढ़िया से करेंगे ना, तो आगे चल के आपको बहुत मिनिमम प्रॉब्लम आएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मैं जब हायर स्टडीज के बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे मान लो लेंस की बात करते हैं, ठीक है, या फिर कोई मिरर की बात करते हैं, तब देखो मिरर जैसे एयर में है, एयर में लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर उसी को वाटर के अंदर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑयल के अंदर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आता है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट बच्चे को ना विजुअलाइज करना आना चाहिए, इमेजिन करने आना चाहिए कि अच्छा हो क्या रहा है और क्या हो सकता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग करेंगे, एक बार इसको पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक मिरर को पहले एक रिफ्लेक्शन वाला डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक रे डायग्राम लेके हम लोग रिफ्लेक्शन को प्रॉपरली दिखाएंगे। ये हो गया हमारा एक प्लेन मिरर, ठीक है,
इस प्लेन मिरर पे सबसे पहले एक लाइट रे को हम लोग ले रहे हैं, कोई सोर्स ऑफ लाइट है और इसको हमने बोल दिया नाम। इसका नाम क्या होता है आप सब जानते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। जैसे ही कोई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको दिखे, आपको जो सबसे पहला काम करना है वो यहाँ पे एक 90 डिग्री पे एक लाइन खींच देना। ज्योमेट्री तो आपको आता है, ठीक है, आराम से हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं, जो 90 डिग्री पे लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। और ये क्या आता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। ये क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये आपका क्या है? मिरर। कौन सा मिरर है अभी? प्लेन मिरर। क्या मिरर ले रहे हैं हम लोग? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और नीचे वाला पॉलिश्ड सरफेस, आई मीन पेंटेड सरफेस, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। नॉर्मल का मतलब ये होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, क्योंकि अभी तो आपको आराम से दिख रहा है इसलिए आप आराम से बता दोगे, लेकिन जब यही स्फेरिकल वाले में बताने की कोशिश की जाएगी तो वहां पर दिक्कत होता है। नॉर्मल हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जैसे यहीं पे आप याद रखना, जब हम लोग कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, मान लो कोई लाइट रे यहाँ पे आया, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हमारा इंसिडेंट रे होगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या चाहिए? नॉर्मल। नॉर्मल के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक टेंजेंट खींचेंगे और ये टेंजेंट हमारे लिए एक मिरर की तरह काम करेगा, और इस टेंजेंट पे हम लोग एक नॉर्मल लेंगे, नॉर्मल एम, ठीक है। तो भूलिएगा नहीं, जैसे ये प्लेन मिरर है, अगर स्फेरिकल मिरर होगा तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक टेंजेंट खींचेंगे और उस पर हम लोग क्या ले लेंगे? 90 डिग्री पे एक नॉर्मल। ऐसे नॉर्मल को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में भी ये चीज आएगा, वहां पे आपको ध्यान देना। एनीवेज, चलिए, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट इन नॉर्मल। ये बहुत कॉमन गलती है, ठीक है, इसको हम लोग आई बोलते हैं और इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट एंगल का मतलब होता है द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। कई बार क्वेश्चन में आपको देगा द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्लेन ऑफ द सरफेस, वहां से आप नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल के बीच, ऐसे मान लो सिंपल, अगर ये आपको दिया है 60 डिग्री, कह रहा है कि द एंगल इज 60 डिग्री बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस ऑफ प्लेन सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। आपको क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा कि आपको दिया क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है या एंगल बिटवीन दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इंसिडेंट रे दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ से सपोज करो कि हमने लाइट जो है वो क्या हो जाएगा वापस, जैसे ये मीडियम हम ले लेते हैं, ये कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। मान लो हमने ले लिया इसको मीडियम वन, क्या ले लिया हमने इसको? मीडियम वन। ये एयर हो सकता है, ये लाइट हो सकता है, सॉरी ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो रहा। अभी देखो इंसिडेंट रे आया मीडियम वन से, इस ग्लास से टकराया और वापस से किस में चला गया? ये अभी भी ये इसी मीडियम में है, ठीक है, मीडियम वन में है। इसका मतलब जब कोई लाइट, ठीक है, किसी मीडियम से आया और उसी मीडियम में वापस चला गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा आर। आर का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्टिंग एंगल, या फिर इसको अच्छे से लिख लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा रे हो जाएगा? ये हो गया आपका, ये था इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड, जो कि रिफ्लेक्टेड हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो पहला लॉ कहता है, ठीक है, अगर हम लॉ, दो लॉ होता है इसका, कितने लॉज होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में? टू लॉज। सो द फर्स्ट लॉ सेज कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सब लोग जानते होंगे इसको, ठीक है। और जो दूसरा लॉ कहता है, ठीक है, कौन सा लॉ?
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ होते हैं, वो कहता है कि देखिए इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। बहुत बच्चा को इसको समझने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो पहले में तो प्रॉब्लम नहीं होता है कि चलो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ध्यान में रखिएगा, इंसिडेंट एंगल इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, कोई इफ नॉट बट नहीं, एकदम इसको ध्यान रखना है। यहां भी हो सकता है बोलेगा द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस सरफेस, अगर मान लो ये 60 है या 30 है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60। अब आपको कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, दे सकता है द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इंसिडेंट रे, तो ये एंगल होगा, दे सकता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल, तो ये होगा, दे सकता है द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे इज दिस, तो आपको देखना है क्या है। बट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बच्चे को प्रॉब्लम होता है, गलत वैल्यू लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो पहला हो गया एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए इंसिडेंट रे मतलब ये, ओके, सेकंड कह रहा है नॉर्मल मतलब ये, और थर्ड कह रहा है ये रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये। ये तीनों एक प्लेन में होंगे, प्लेन का मतलब क्या हो गया, मतलब अगर ये मान लो इसी में, अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो इसी प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आएगा, नॉर्मल ऐसे होगा, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा। प्लेन का मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी एक इंच से देखेंगे तो तीनों आपको एक लाइन की तरह दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी इसमें से एक बाहर आ जाएगा एक अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें आई डोंट थिंक इसके अलावा और कुछ बचा हुआ है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में, ठीक। अब इन्हीं चीजों को यूज करके हम लोग बहुत सारा चीज करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि आगे क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। याद रखिएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहीं पे भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, कहीं पे भी चेंज नहीं होता है, मतलब क्या हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम रहता है, काहे कहीं पे भी वो लॉ हो, ठीक। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेकर आते हैं, ठीक है, द एंगल फॉर्म सॉरी द इमेज फॉर्मेशन, कि कैसे इमेज बनता है, कितने रेज चाहिए इमेज को बनने के लिए, है ना। प्लेन मिरर पे फिर बात करेंगे कि प्लेन मिरर पे कितने इमेजेस बन रहे हैं, फिर हम लोग दो प्लेन मिरर लेंगे उस पर बात करेंगे, है ना, उसमें सिमिट्री और एसिमिट्री का जो केस आता है उस पर बात करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो उम्मीद करते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सा टॉपिक है। हमें जल्दी से क्या करना है ना, सारे लेक्चर्स को कवर करके न्यूमेरिकल्स पे पहुंचना है। मुझे पता है कि आप लोग को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियोस को जल्दी से स्किप नहीं कीजिएगा, देखिएगा अच्छे से सारे को, सिस्टमेटिकली जब आगे चलेंगे तो हम 100% श्योर है कि जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। चलिए मिलते फिर।